आपने थंबनेल में देखा होगा कि अनिल अंबानी अब हथियार बेचेंगे। अनिल अंबानी पावर के बिजनेस के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस के अंदर में, और दो कंपनीज रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा वाकई अच्छा कर रही हैं काफी दिनों के बाद में। और अनिल अंबानी के सितारे मैंने आपको कहा था कि 2024 में बदलते दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो महादशा है वो भी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है, इनकी साढ़े सती खत्म होती दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि अनिल अंबानी काफी सारे काम करने वाले हैं। अनिल अंबानी अब हथियार बनाने वाले, इस न्यूज को पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या वाकई है। रिलायंस इंफ्रा टू सेटअप 10,000 करोड़ आर्म्स एम्युनिशन प्रोजेक्ट। आप सोच सकते हैं अनिल अंबानी के सितारे कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है सरकार से मिलेंगे। यहां पे ये नहीं है कि भाई मैंने फैक्ट्री डाल दी और प्राइवेट लोग, गुंडे लोग मेरा हथियार खरीदने वाले हैं। अगर ऐसे बिजनेसमैन इतना बड़ा बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो बिना सरकार की मंजूरी के, बिना सरकार से बात किए ऐसे प्रोजेक्ट नहीं डाले जा सकते हैं। इंफ्रा का काम करने वाली कंपनी अगर आप हथियार के बिजनेस में आ रही है, आर्म्स एंड एम्युनिशन के बिजनेस में एक्सप्लोजिव्स बनाएंगी, तो सोचिए देश की सुरक्षा में योगदान देने वाली हो, डिफेंस के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना और आगे एग्रेसिव होने वाले आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी ब्रिक्स में जो चाइना के साथ में हुआ है, आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि चाइना को हमने दो टूक समझा दिया है कि भैया हम वो टाइम के नहीं है कि हम अपने नेबरिंग एरियाज में सड़कें नहीं बनाएंगे कि कहीं आतंकवादी ना घुस जाए, कहीं चाइना ना घुस जाए। आज हम बिंदास कहते हैं कि हम सड़कें भी बनाएंगे, इंफ्रा भी खड़ा करेंगे, और हमारे सुरक्षा गार्ड बीएसएफ, सीआरपीएफ और जितनी भी फोर्सेस हैं आपको 24 घंटे तैनात मिलेगी, और खबरदार हमारी तरफ निगाहें करने की कोशिश की। आज हम सियाचिन में अपने पांव गलाने के लिए नहीं बैठे, आज हमारे फौजियों को ऑर्डर है एडवांस में कि शूट एट साइट जो भी हमारे देश में घुसने की कोशिश करे। आप समझिए इस बात को। तो हमारा देश आर्म्स, एम्युनिशन, वॉरशिप्स, टैंक्स, जहाज, व्हाट नॉट, हम सब बनाने वाले, सब एक्सपोर्ट करने वाले। तो इस कड़ी में अनिल अंबानी का सितारा बुलंद दिखाई दे रहा है। अनिल अंबानी एक ग्रो करते सितारे दिख रहे हैं, वाकई उनका समय शायद बदलता दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंफ्रा की बात करते हैं कि क्या इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए। ये एक ऐसा शेयर है जो काफी अच्छी रिटर्न्स दे चुका है, काफी अच्छी करेक्शन भी इसमें आपको होती हुई दिखाई दी है। 200 रुपए से स्टॉक बढ़ते बढ़ते भागते भागते देखिए 350 रुपए के आसपास किया था, और अब यहाँ पे 60% से ज्यादा की करेक्शन यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये करेक्शन आपकी ऑलमोस्ट 78% की करेक्शन हुई, और अब जो करेक्शन चल रही है, अब जो प्राइस जो चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइस हमारा चल रहा है मोटा मोटा 50% रिट्रेसमेंट के आसपास में। तो 281 के ऊपर स्टॉक वापस बुलिश हो जाएगा, इसमें दोबारा से बायर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पे जो भी पोजीशंस बनानी है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होनी चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा से होने चाहिए। बट अगर मुझे लाइन इंफ्रा को ट्रेड करना है टीटीसी के हिसाब से, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 277 के आसपास में प्राइस करेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो मेजर जो स्टॉप लॉस या सपोर्ट होना चाहिए एक्विजिशन 256 से 240 के बीच में इसकी कंसोलिडेशन हो जानी चाहिए। पूरा यहाँ पे समय बिता सकता है, वापस ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग नई पोजीशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज रहेगा 256 से 240 के बीच में, यहीं इसी कंसोलिडेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ लेके फंसे हैं तो भी आपकी यहीं एवरेज बनती है, क्योंकि ये पूरी साइकिल देखिए 350 से लेके 240 के बीच में पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, और ये पूरी की पूरी साइकिल आपको चार्ट पे दिख रही है 340 से लेके 250। ये पूरा कमाल का कैलकुलेशन जो टीटीसी की पूरी एक साइकिल है, एक साइकिल पूरी हो गई है, और साइकिल पूरी होते ही एक बाउंस आया है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 277 पे आपको एंट्री करनी भी है तो भी 251 आपका 256 के आसपास का ये स्टॉप लॉस फाइनल और मेजर होना ही चाहिए। लेना है या नहीं लेना आपकी मर्जी है। एक बार हम रिलायंस इंफ्रा का हम टेक्निकल्स के साथ साथ में फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि इसके कितने शेयर्स हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। शेयर्स कुछ भी नहीं है गाइस, 40 करोड़ इक्विटी है, सिर्फ 40 करोड़ इक्विटी, ध्यान रखना। 10,000 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के आसपास, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी में, रिटर्न कैपिटल 7% के आसपास आ गई। क्वार्टर्स की अगर बात करें तो क्या यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? कंपनी अभी तक बहुत सारे लॉसेज में थे, 2,500 करोड़ के लॉसेज में कंपनी थी, कंपनी आके 100 करोड़ के लॉस पे आके रुक गई है। तो यहाँ पे सेल्स देखिए, जून की सेल्स मार्च की सेल्स से कितनी जबरदस्त इंक्रीमेंट हुई है, आप देख सकते हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट। अगर थोड़ा सा मुकेश अंबानी जो देखा गया है रिलायंस पावर को उन्होंने डेट फ्री किया, तो अगर रिलायंस इंफ्रा को भी वो डेट फ्री कर पाते हैं, कहीं से फंड अरेंज करते हैं, वो कर रहे होंगे, पक्की बात है, बोर्ड की मीटिंग्स रेगुलर चल रही हैं। अगर ये कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डेट फ्री हो जाती है तो दिस इज इंडीड अ मल्टी बैगर इन कुकिंग। आपकी राय क्या है रिलायंस इंफ्रा को लेकर? आप क्या समझते हैं अनिल अंबानी इसको रिवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आप सबके कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और सीखे बिना बाजार में
कोई भी पैसा नहीं लगाना है। जब तक आप फ्री में नहीं सीखते, खुद नहीं सीखते, तब तक बाजार में एटलीस्ट नहीं आना है। प्रोफेशनल सीखना है तो आपको किसी ना किसी को ज्वाइन करना चाहिए, मुझसे सीखें, किसी और से सीखें, जहां से सीखना है, बट कम से कम आपका एक गुरु होना चाहिए, चाहे वो खुद हो अपने गुरु, चाहे आप किसी को हायर कर सकते हैं। आप हमसे सीखना चाहते हैं, मास्टर क्लासेस 4 शहरों में है, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ। मुंबई और अहमदाबाद की बुकिंग्स बहुत जोरों पे हैं, कोलकाता और लखनऊ वाले अभी काफी पीछे चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोलकाता और लखनऊ की क्लासेस हमको कैंसिल करनी पड़े, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई की तो फ्लाइट मेरी बुक हो चुकी है। आपकी हुई है नहीं हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।